छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका देने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब राजस्थान में भी उसे झटका देने वाली हैं। खबर है कि बीएसपी राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में पार्टी के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, साथ ही महागठबंधन पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीएसपी से झटका खाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीद कर रहे थे कि बहन जी आगे उनका साथ देंगी, लेकिन बीएसपी तो कांग्रेस को ही एक के बाद एक झटके देने में लगी है। अब बीएसपी ने राजस्थान में भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। दरअसल बीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डुंगुर राम गोयदर से पार्टी की चुनावी तैयारियों के बारे में पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि तैयारी चल रही है, पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका ये बयान अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। उन्होंने किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए साफ कर दिया है कि पार्टी सूबे की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे इससे पहले बीएसपी ने मध्य प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, वहीं छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब राजस्थान में गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। आपको बता दें कि राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं में अच्छी पैठ रखने वाली बीएसपी ने धौलपुर, भरतपुर और दौसा के साथ साथ गंगानगर जिले में कुछ विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। जिन सीटों पर वह जीत नहीं पाई, वहां उसके परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में राजनीतिक पंडित बीएसपी के इस कदम को कांग्रेस के लिए हानि बता रहे हैं। गौरतलब है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 3 सीटें जीती थी और आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को एक तरह से तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। बीएसपी 1990 से ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे जीत का स्वाद 1998 में मिला जब उसके 2 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी बीएसपी ने कांग्रेस को झटका दिया था, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया ने मायावती को पीएम पद की बेहतर विकल्प बताया था। बीएसपी के इन कदमों के बाद महागठबंधन पर भी संकट खड़ा हो गया है। लिबराइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।